राइट दोस्तों, एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट पहलू को देखेंगे, वो है जैसे हमने इंडिकेटर्स के टाइप्स बताए थे, इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स में ऑसिलेटर टाइप के एक इंडिकेटर्स हैं जो स्टोकेस्टिक्स और RSI हैं, इन दोनों के बारे में समझेंगे। उनके बेसिक्स को समझेंगे पहले, उनके लॉजिक को समझेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि वो कैसे कार्यरत होते हैं, कैसे काम करते हैं। स्टोकेस्टिक्स और RSI बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही पुराने दो इंडिकेटर्स हैं, जिसको टेक्निकल एनालिस्ट काफ़ी समय से इसको इस्तेमाल करते आए हुए हैं, और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है, और काफ़ी कुछ डिसीजन मेकिंग में, लोगों को निर्णय लेने में, ट्रेडिंग करने में स्टोकेस्टिक और RSI जो है बहुत ही हेल्प करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से इसको सुने, अच्छी तरह से समझें इसको, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में आप पहले प्रैक्टिस करें, कम से कम 10 पैर में जाएं, 10 पैर में देखें उसको, 2 साल 3 साल का आप डेटा देखिए। मैं तो समझता हूँ ज्ञान अगर आएगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। ज्ञान, संयम, ये दो चीज़ आपको आना चाहिए, पेशेंस आपको आना चाहिए, ये दो चीज़ आया तो एकदम बढ़िया से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो ऑसिलेटर्स क्या हैं, स्टोकेस्टिक क्या है, RSI क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसको पहले हम इसके बेसिक्स को समझ लेंगे, और उसके बाद में हम लोग चार्ट में जाकर देखेंगे। ठीक है, एक नोटपैड बाजू में रखिएगा, जो मैं कहता हूँ उसको बराबर लिखिए और समझिए। राइट, सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा आपको कि ये ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ, ऑसिलेटर का क्या मतलब हुआ। आप इसको समझेंगे, इसके बेसिक्स को समझेंगे, तो आप उसको जब देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। ऑसिलेशन का मतलब एक बहुत ही सिंपल मतलब है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पेंडुलम है, ये जैसे वो जो पुराने टाइप की घड़ियालों में जो पेंडुलम हुआ करता था, ये उस प्रकार से है। तो ये क्या होता है कि इसको इधर से बांध दिया जाता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसको बोलते हैं जहाँ से, और वो जब हिलता है तो वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाता है, और इसी दायरे के अंदर घूमता रहता है। राइट, ये जो पेंडुलम होता है वो सर्कल राउंड नहीं मार सकता, वो सीधा नहीं जा सकता, वो एक ही तरफ नहीं घूम सकता, वो हमेशा एक दायरे से, एक सीमा से दूसरे सीमा के बीच में घूमता रहता है। राइट, ये एक आइडियल पेंडुलम है, मतलब कि जो यहाँ पर गया है उसे यहाँ पर वापस आना ही है, और जो यहाँ पर आया है उसको वापस इस साइड जाना ही है। हो सकता है कि एक बार थोड़ा कम जाए, थोड़ा आगे ज़्यादा जाए, वो अलग है, लेकिन जो यहाँ पर आया है, सी में आया है, वो बी तक जाएगा ही जाएगा, जो ए पे आया है वो सी तक जाएगा ही जाएगा, और जाएगा वो बी को क्रॉस करके ही जाएगा। मतलब ये जो पेंडुलम है उसका जो चाल है, या उसके मार्ग जिसको बोलेंगे आप, उसका जो नक्शा है, वो पहले से तय है कि वो इस सीमा से इस दायरे के बीच में जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद इस दायरे के अंदर आएगा। राइट, एकदम फिक्स्ड है, इसी को ऑसिलेशन कहते हैं। दो सीमाओं के अंदर, समझिए कि आपने एक बॉल को एक पाइप में डाल दिया और आपने पाइप को हिलाया, तो उसकी उसका जो मूवमेंट है उसको आपने सीमित कर दिया, वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इन दोनों के बीच में ही अटकता रहेगा। उसी तरह से ऑसिलेटर जो कहते हैं हम, ऑसिलेशन टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो इसी तरह से दो सीमाओं के अंदर ही उनका दायरा रहता है, उसी में वो घूमते रहते हैं। सो जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा ही आएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा ही आएगा। ये सिर्फ ऊपर नहीं चढ़ते रह सकते हैं, ये सब नीचे नहीं जाते रह सकते हैं, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब इतना सिंपल भी नहीं है, ये तो परफेक्ट पेंडुलम है। राइट, ये एग्जैक्ट जिसे पेंडुलम, आइडियल पेंडुलम बोलते हैं, वैसा है, लेकिन हमारे जो ऑसिलेटर्स हैं वो एग्जैक्टली ऐसे पाथ नहीं फॉलो करते हैं, उनका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो सकता है। हो सकता है कि ऊपर जाने में आधा घंटा लगा हो, सॉरी 2 दिन लगे हों इंडिकेटर को, और नीचे आने में 6 दिन लग जाए। हम सिर्फ उसके मार्ग को, उसके रास्ते को, उसके नक्शे को हम ऑसिलेटर कहते हैं, उसके समय काल को नहीं, उसकी जो टाइम पीरियड है उसका नहीं। कि ऐसा नहीं कि 2 दिन ऊपर जाएगा और 2 दिन नीचे आएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं कि जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे आएगा, ऐसा भी नहीं, बस इतना ही इसका एक क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी है कि भाई जो ऊपर गया है वो नीचे ज़रूर आएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर ज़रूर आएगा। यही ऑसिलेटर्स हैं, इसी को हम ऑसिलेशन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि ऑसिलेशन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और करते क्या हैं। ये पहला हमारा एक इंडिकेटर है जिसको हम स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स के ऑसिलेटर कहते हैं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर कहते हैं। बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही फेमस है, हर तरह के ट्रेडर्स इसको खरीदते लेते हैं सॉरी यूज़ करते हैं और हर तरह के ट्रेडर्स इससे अपना निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग हैं जिसको स्टोकेस्टिक्स को यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से जितना एक्सप्लेनेशन स्टोकेस्टिक्स पे इंटरनेट पे होगा उतना किसी और इंडिकेटर पर नहीं होगा, लेकिन बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसी समय में ये बहुत सिंपल भी है। जो पहले पहले जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया था तो स्टोकेस्टिक्स ने जितना मुझे प्रभावित किया था शायद मुझे किसी और ने प्रभावित नहीं किया था, क्योंकि जब स्टोकेस्टिक्स चलता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई जो बोलते हैं ना कोई क्या बोलते हैं उसको, अक्षय पात्र हाथ में लग गया हो कि बस अब मेरा 50,000 रुपया 2 करोड़ बन ही जाने वाला है। उस हिसाब से कॉन्फिडेंस देता है स्टोकेस्टिक जब चलता है, तो इसकी तरह कोई और टूल नहीं चलता है। अब इसमें अब मैं आपको दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ऊपर की जो लाइन है ये एक सीमा है और ये जो नीचे की लाइन है ये एक सीमा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये अगर ऊपर गया तो उसके बाद में उसका नीचे आना तय है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाते ही इमीडिएटली सीधा परफेक्ट कर्व मारेगा, कोई परफेक्शन नहीं होता है मार्केट में, याद रखिए। लेकिन ऊपर से ये नीचे की तरफ आता है, नीचे आएगा, इस सीमा को टच करेगा, तभी ये उसका पूरा हुआ, मतलब ये जो गिरने का जो दौर था वो पूरा कब होगा कि जब वो पूरा यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से आने के बाद वो पूरा ऊपर जाएगा, तब तक हम कहेंगे कि उसका ऊपर जाने का दौर खत्म हुआ। मतलब जब भी ये ऑसिलेटर जो है स्टोकेस्टिक्स लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ होंगे तो उसका अब नीचे जाने का समय आ गया, और अगर नीचे की तरफ होंगे तो अब उसका प्रयाण ऊपर जाने का समय आ गया। तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार से एक वेव बनाता रहता है और ये घूमता रहता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इसी प्रकार काम करता है। अब इसको देखेंगे, ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आएगा, नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमेशा होता रहता है। और इसमें दो आपके लाइंस हैं, स्लो स्टोकेस्टिक एक है, तो ये जो क्रॉसओवर होते हैं ये रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में आप जो देख रहे हैं, इस प्रकार से क्रॉसओवर होता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, और उस क्रॉसओवर के हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बट एनीवेज, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इस प्रकार से दो दायरों के, इसमें दो लेवल्स के अंदर वो काम करते हैं, हमेशा ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक है जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके RSI के नाम से बोलते हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो RSI अपना जो इंडिकेटर है वो भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसकी भी दो लाइंस हैं, अपर लाइंस और लोअर लाइन, ये दो लेवल के बीच में RSI हमेशा शटल होता रहता है। जो नीचे है वो ऊपर जाता है उसको टच करता है, जो ऊपर है वो वापस नीचे आता है उसको टच करता है, नीचे है वो वापस ऊपर जाता है, ऊपर वाले लेवल को टच करेगा और ऊपर से वापस वो नीचे के लेवल पे आएगा। जब आप इसको चार्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब नीचे से वो ऊपर की तरफ गया तो एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ बना, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आया तो एक नया ट्रेंड नीचे की तरफ बना। अच्छा, दूसरी एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि ये जो नीचे से ऊपर गया वो 200 पिप का है तो ऊपर से जो नीचे आया वो भी 200 पिप का हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये 50 पिप के अंदर ही सीमित हो जाए और ये 200 पिप का हो ऊपर के ट्रेंड में, और ये 500 पिप का हो ऊपर के ट्रेंड में, और नीचे आने वाला 100 पिप में सीमित हो जाए, तो वो कोई कैलकुलेशन नहीं बैठेगा इस पर, या वो अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। बट आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि अगर ऊपर गया है तो अब वो मार्केट नीचे आने वाला है, क्योंकि अभी ये लो लेवल है, ये उसकी चरम सीमा है, इसके ऊपर वो जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता, थोड़ा जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा जा नहीं सकता और बहुत ज़्यादा देर वहाँ पर रह नहीं सकता है, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसके जो टर्म्स हैं टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके तीन तरह के टर्म्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये तीनों टर्म्स को आप अच्छे से समझिए। पहली बात तो ऑसिलेटर इंडिकेटर्स जो हैं वो मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, वो प्राइस को और वॉल्यूम को नहीं देखते हैं लेकिन मोमेंटम को देखते हैं, मार्केट के गति को देखते हैं, मार्केट का जो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम तो नहीं बोल सकते लेकिन मार्केट की जो रफ्तार है उसको देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई
अभी समझो बायर्स लोग तैयार हैं खरीदने के लिए, तो बायर्स खरीदे जा रहे हैं, लोग इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। एक सीमा होती है इन्वेस्टरों की कि जब तक वो अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद में नया पैसा आना बंद हो जाता है। अब मार्केट में वो रफ्तार नहीं रहती ऊपर जाने की, अब मार्केट में वो स्पीड नहीं रहता कि मार्केट उतना ही इन्वेस्टमेंट लेकर आए और ऊपर की तरफ और जाता रहे। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके मोमेंटम को देखते हैं, उसके रफ्तार को देखते हैं मार्केट के। उसी तरह से जब गिरता है मार्केट तो एक रफ्तार से गिरता है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम गिरता है, उसके बाद में लोग और घुस जाते हैं उसमें और दे धनाधन सब शॉर्ट करना शुरू करते हैं, तो मार्केट में काफ़ी लोग काफ़ी नीचे प्राइस आ जाते हैं। तो ये जो मोमेंटम है अपना, जो ये जो इंडिकेटर्स है, वो उस मोमेंटम को नापने की कोशिश करते हैं, उस रफ्तार को, कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस प्रकार से वो गिर रहा है। अगर समझो उसका गिरने की रफ्तार कम हो गई, अगर वो जो स्पीड था गिरने का मार्केट का, और जिस प्रकार से मार्केट तेजी से नीचे आया लेकिन फिर बाद में अब नीचे नहीं जा रहा है, उसका जो रफ्तार कम हो गया, उस रफ्तार से ये अनुमान लगाता है कि भाई मोमेंटम अब कम हो गया। अगर मोमेंटम बेचने में कम हो गया तो जाहिर है मोमेंटम खरीदने में आएगा। अगर समझो कि लोग खरीदने वाले थक गए हैं तो अल्टीमेटली वो बेचेंगे, और अगर बेचेंगे तो प्राइस कम होगा, और अगर समझो बेचने वाले थक गए हों तो अल्टीमेटली लोग खरीदेंगे और डिमांड आगे बढ़ेगा, तो अगर डिमांड आगे बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। तो मोमेंटम को नापता है, याद रखिए मार्केट के रफ्तार को समझने की कोशिश करता है, ये प्राइस या वॉल्यूम का नहीं लेकिन मार्केट के मोमेंटम को समझने की कोशिश करता है, इसलिए इनको मोमेंटम इंडिकेटर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए अच्छी तरह से। ये मोमेंटम को नापता है, रफ्तार को नापता है। हमारा जो लैगिंग इंडिकेटर था वो हिस्टोरिकल डेटास को नापता है, ये उसके रफ्तार को समझने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई रफ्तार खत्म हो गई, अब ये मार्केट पलटने वाला है। ये थोड़ा सा क्या है, प्रेडिक्टिव नेचर का है, मतलब आगे से आपको बताने की कोशिश करता है। ये हिस्टोरिकल डेटा पर नहीं बोलता है, कहता है कि लो इसका मार्केट का मोमेंटम खत्म हो गया, अब लोग बेचने वाले हैं, आप शुरू कर दो। तो इसमें थोड़ा सा वो भविष्यवाणी टाइप का एक कंसेप्ट रहता है, और उसकी उस ये उसी का इसी इस इंडिकेटर का जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो भी यही है कि ये थोड़ा सा प्रेडिक्टिव है नेचर में, मतलब भविष्य बताने की कोशिश करता है। और इसका वीकनेस भी यही है कि ये भविष्य बताने की कोशिश करता है और पिछले इसको नहीं देखता है। तो इसका स्ट्रेंथ भी वही है कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ उसका वीकनेस भी वही है। अच्छा, तो मोमेंटम आपको समझ में आ गया कि मार्केट के रफ्तार को भांपने की एक कोशिश है। दूसरा है टर्म है ओवरबॉट लेवल्स, जहां पे आप ओवरबॉट मतलब जहां ज्यादा खरीदारी हो गई हो, और ओवरसोल्ड लेवल्स जहां पर ज्यादा बिक गया हो माल, राइट। दो लेवल्स होते हैं, जहां पर लोगों ने ज्यादा खरीद लिया हो उसका हम ओवरबॉट लेवल्स बोलेंगे, और जहां पर लोगों ने ज्यादा बेच दिया हो जिसको हम कहेंगे कि ओवरसोल्ड लेवल्स हैं। अब जाहिर है एक सवाल उठता है दिमाग में कि भाई ये ओवरबॉट ओवर लेवल क्या होता है। मार्केट में अगर सौदे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने बेचा, जितनों ने खरीदा उतनों ने ही बेचा, कोई ज्यादा तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले मैं अब घर पे बैठ के बेच सकता हूँ, जब तक मुझे सामने वाला खरीदार नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे बेच सकता हूँ। तो ये ओवरबॉट का मतलब क्या हुआ कि भाई ज्यादा खरीदारी हुई या ज्यादा बिकाऊ हुआ, ये कैसे आप बता सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत आसान है, हम इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि दो लेवल्स हैं, एक ओवरबॉट लेवल्स हैं। साइकोलॉजिकली मार्केट ने बहुत ज्यादा खरीद लिया है और साइकोलॉजिकली मार्केट ने बहुत ज्यादा बेच दिया है, ये दो लेवल्स हैं, जहां पर बहुत बिकाऊ हुआ है और बहुत ज्यादा खरीदारी हुई है, ये दो चीजें लेवल्स हैं। ये दो लेवल्स को आप याद रखिएगा, हम आगे जाएंगे और थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। अच्छा, ओवरबॉट लेवल्स क्या है, अपन उसको देखते हैं कि भाई ऐसा कैसा हम बोल सकते हैं कि हमने ज्यादा खरीद लिया। क्या हम लाइफ में ऐसा करते हैं, क्या लाइफ में हम कभी इस तरह के आपने टर्म्स इस्तेमाल किए हैं कि ये ओवरबॉट है और ये ओवरसोल्ड है, ऐसा तो होता नहीं है। जो नॉर्मल लेमैन है, जो हमारे साथ कॉमन आदमी है, वो तो कभी ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम इस तरह के टर्म्स को यूज़ करते हैं, उसको ओवरबॉट नहीं बोलते हैं, ओवरसोल्ड नहीं बोलते हैं, उसको हम कोई और ही नाम से बोलते हैं, लेकिन हम बहुत ही
ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बखूबी इस चीज़ को समझता है, आपको अचरज लगेगा, हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, कि जहाँ पर आप ओवरबॉट लेवल को समझते हैं। आप सब जानते होंगे आजकल आईफोन का और एंड्रॉयड का ज़माना है, तो अभी आईफोन का ये जो पाँचवा जो आईफोन 5 लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा कि आईफोन 5 लॉन्च होते ही US, UK और काफ़ी जगहों पर लोग रात को खाना खाने के बाद ठंडी में लाइन में खड़े थे, क्योंकि सुबह उनको नया आईफोन खरीदना था। ठीक है, हर जगह हर दुकान में लोग लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं। आपने वो हैरी पॉटर्स के बुक्स के बारे में सुना होगा, वो भी जब लॉन्च होता है तो लोग लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और आपने अगर रजनीकांत की मूवीज के बारे में सुना होगा कि वो लॉन्च होता है तो पहले क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हर थिएटर में, एक तो उन्हीं की मूवी चलती है, दूसरा कि हर थिएटर में वहाँ पर रात को 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे, तो मैं कम बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, वहाँ लोग एक एक दिन पहले से लाइन में खड़े रहते हैं टिकट खरीदने के लिए। आप सोच कर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन है या ओवरसोल्ड सिचुएशन है, यहाँ पर कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन ज़्यादा एक्साइटेड है खरीदने के लिए या बेचने के लिए, खरीदार एक्साइटेड है या बेचने वाला एक्साइटेड है? जब खरीदार एक्साइटेड है और बेचने वाला एक्साइटेड नहीं है, वो डिमांड कर सकता है, तो उस सिचुएशन को हम ओवरबॉट सिचुएशन बोलेंगे। ठीक है, अभी आईफोन लेवल में क्या होता है कि दुकानदार दुकान बंद करके घर पे सोया हुआ है, लेकिन लोग लाइन पे खड़े हुए हैं। रजनीकांत थिएटर के बाहर थिएटर वाला सो रहा है, लेकिन खरीदार लाइन में खड़ा हुआ है। ये जो है ये ओवरबॉट सिचुएशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर्स जो हैं बहुत ही एक्साइटेड है खरीदने के लिए, वो खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले उनके हाथ में वो माल आना चाहिए, उनको वो प्रोडक्ट खरीदना है, वो पिक्चर देखनी है या जो भी है। तो ये यहाँ पर एक्साइटेड कौन है, यहाँ पर बायर्स एक्साइटेड है। तो ओवरबॉट लेवल तक कौन जाता है, कौन लेके जाता है उसको, बायर्स पुश करते हैं मार्केट को। ठीक है, ओवरबॉट लेवल को बायर्स पुश करते हैं मार्केट को। ओवरबॉट मतलब चरम सीमा तक कौन लेके जाएगा, यहाँ पे सेलर नहीं लेके जा सकता है, यहाँ पर बायर लेके जा सकता है। और जब बायर ओवरबॉट लेवल तक इसको लेकर जाता है तो क्या होता है कि एक सीमा होती है कि कहाँ तक बायर्स उसको पुश कर सकते हैं, वो पुश करते हैं और नए बायर्स घुसते जाते हैं, लेकिन फिर एक एक्साइटमेंट खत्म होता है, है ना। तो जाहिर है कि एक चरम सीमा पर, एक क्लाइमेक्स पर हम जाने के बाद ओवरबॉट सिचुएशन अगर पहुंच गया है, आप कहते हैं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओवर हो गया, आप बताइए उसके बाद में क्या होगा, सोच कर बताइए क्या होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया हो, बहुत ज़्यादा मार्केट में शोर शराबा हो गया हो, तो क्या हो जाएगा, सब लाइन खड़े हैं, सब खरीदना चाहते हैं, सब उस पे अपना हाथ सबसे पहले डालना चाहते हैं कि भाई मुझे सबसे पहले मिल जाए। ऐसे सिचुएशन में सोच के देखिए कि आईफोन एक हफ्ते के बाद क्या होगा आईफोन का, या रजनीकांत की मूवी एक हफ्ते के बाद। रजनीकांत की मूवी आप मानोगे नहीं, लास्ट जो मूवी थी उस टाइम पे मेरा भाई बैंगलोर में था, उसने बताया कि 25,000 रुपये में टिकट बिकी थी उसकी। 25,000 रुपये, यार आप सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से 25,000 में तो यहाँ पर हम गुजरात में मूवी में प्रोड्यूसर बन सकते हैं, मतलब आई कैन बी वन ऑफ द प्रोड्यूसर यहाँ पर 25,000 रुपये में। और वहाँ पर रजनीकांत की मूवी 25,000 रुपये में लोगों ने टिकट खरीदा, राइट। तो ये ओवरबॉट सिचुएशन है, इसको कौन पुश करता है, राइट, इसको बायर्स पुश करते हैं। बायर्स आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन फिर एक सीमा आती है जब ओवरबॉट सिचुएशन के ऊपर चला जाता है। अब आपको पता लग जाता है कि इससे ज़्यादा बायर्स मुझे नहीं मिलने वाले, इससे ज़्यादा बायर्स पॉपुलेशन नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा मोमेंटम अब मुझे नहीं मिल सकता। उस पोजीशन के बाद, उस चरम सीमा के बाद, उस लिमिट के बाद हमेशा बायर्स की तादाद कम होती है। अगर बायर्स की तादाद कम होती है तो क्या होगा, जाहिर है डिमांड कम होगा, राइट। पहले लाइन लगी थी बाहर खड़े हो रहे, जितने भी माल आया सब कुछ बिक गया, दूसरे दिन बिक गया, तीसरे दिन बिक गया, अब क्या होगा, अब बायर्स कम होते जाएंगे। ओवरबॉट जब होगा उसके बाद में डिमांड कम होगा, और अगर डिमांड कम होगा तो उसके बाद में अल्टीमेटली प्राइस कम होगा। तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि कोई ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट में ओवरबॉट सिचुएशन को समझा देगा, जो आपको बता देगा कि भाई ये ओवरबॉट सिचुएशन हो गया, अब इसके ऊपर नहीं जा सकता, या ओवर अभी बायर्स इतने आ चुके हैं कि अभी और नए बायर्स ऐड होने मुश्किल हैं, या अब बायर्स लोगों की तादाद कम होती जा रही है, ये ओवरबॉट क्लाइमेक्स सिचुएशन है,
तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई यहाँ से या तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ, या तो यहाँ पर आप बेचना चालू करो, माल खाली करना चालू करो, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें बायर्स नहीं मिलेंगे। तो ओवरबॉट सिचुएशन क्या है दोस्तों? ओवरबॉट सिचुएशन वो है जहाँ पर बायर्स ने पुश किया है मार्केट को, बायर्स लेके गए हैं ऊपर तक, और बायर्स की तादाद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोई भी चीज़ सीमा के ऊपर गलत होता है, तो अब बायर्स की सीमा कम होती जा रही है, और अगर बायर का पार्टिसिपेशन कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो हमेशा प्राइस कम होगा। तो आईफोन जैसी चीज़ें और रजनीकांत की मूवी जैसी चीज़ें जिसमें बायर्स पहले एकदम फ्रेंटिकली पीछे पड़ जाते हैं, उन सब चीज़ों में क्या होता है कि पहले भागता है प्राइस, पर ओवरबॉट सिचुएशन आने के बाद वहां से प्राइस गिरता ही है। हफ्ते के बाद कोई 25,000 रुपया देकर रजनीकांत की मूवी नहीं देखेगा, राइट? और आईफोन कोई 10,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एक हफ्ते के बाद नहीं खरीदेगा। तो ओवरबॉट सिचुएशन जब आ जाता है तो उसके बाद में डिमांड वैसा नहीं रहता है, डिमांड कम होता है, बायर्स का पार्टिसिपेशन कम होता है, इसकी वजह से हमेशा प्राइस कम होता है, ठीक है, राइट? तो ये उसके बेसिक्स थे, राइट? अब हम लोग ओवरसोल्ड को देखते हैं, बिल्कुल इसके उपरीत ओवरसोल्ड होता है। कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है? सोच कर देखिए, ट्रेड किसको कहते हैं? जहां पर एक बायर होता है, एक सेलर होता है, राइट? आप ज्यादा बेच नहीं सकते अगर खरीदार नहीं है तो, ज्यादा खरीद नहीं सकते अगर बेचने वाला नहीं है तो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं मार्केट को और कहते हैं कि ये बायर्स मार्केट है, बायर्स पुश कर रहे हैं उसको, ये ओवरबॉट सिचुएशन है। अब अपना दिमाग दौड़ाइए और एक एग्जांपल निकालिए कि जहां पर आप सेलर्स को देखते हैं और सेलर्स आपको पुश कर रहे हैं मार्केट को, अब उसके बारे में बताइए कौन सा मार्केट है जहां पर सेलर्स पुश करते हैं मार्केट को, है आपके दिमाग में कोई? चलिए, गेहूं का सीजन, आपने बचपन से देखा होगा कि मम्मी पापा अपने हमेशा गेहूं के सीजन में माल भरते हैं। गेहूं का सीजन जो सीजन होता है कटने का, फसल का सीजन होता है, अब उस सीजन के बारे में थोड़ा सा सोच कर देखिए, उस मार्केट को कौन पुश करता है, उस मार्केट को कौन ड्राइव करता है, उस मार्केट में कौन ज्यादा एक्टिव है, उस मार्केट में कौन ज्यादा डेस्परेट है, बताइए आप। उसको बायर्स पुश करते हैं या सेलर्स पुश करते हैं? उसको सेलर्स पुश करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी फसल कट चुका है, वो घर पे नहीं रख सकते हैं उसको, उसको बचा के नहीं रख सकते हैं, चूहा खाने लग जाता है, गोदाम नहीं होता है, जगह नहीं होती है साफ करके रखना, तो इतने सारे उनके लिमिटेशंस होते हैं फार्मर्स के जो अपने खेडूत हैं, तो वो सबसे पहले यही चाहते हैं कि भाई अगर फसल हो गई है तो सीधा इसको घुसा दो मार्केट में, अपना रोकड़ा करके निकल जाओ, बराबर। सेलर्स उसको पुश करते हैं, कौन ज्यादा तादाद में कौन ज्यादा है, सेलर्स तादाद में ज्यादा है, बायर्स कम है उस टाइम पर, राइट? तो ये ओवरसोल्ड मार्केट के लिए अपना एक फंडामेंटल बनाता है कि भाई वीट हार्वेस्ट सीजन हुआ, उसका फसल का ये हुआ, तो अब सेलर्स आ गए, जितने ज्यादा सेलर्स आपको मिलेंगे, आप यकीन कीजिए, आपको पता नहीं आप गेहूं का प्राइस जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन गेहूं सीजन में जो प्राइस में बिकता है उसके एग्जैक्टली मेरे ख्याल से डबल तक पहुंच जाता है ऑफ सीजन में। अगर आप सीजन में खरीदेंगे तो अभी इस बार हम लोगों ने ऑलमोस्ट 18 रुपये में किलो खरीदा, 200 किलो खरीदा, वही चीज़ अगर आप ऑफ सीजन में देखेंगे तो वो 36 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे, फसल के टाइम पे, वीट का जो फसल होता है गेहूं का, उस टाइम पर सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को पुश करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वो मार्केट में आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, रोड साइड में तंबू लगाकर गेहूं डालकर बेचते हैं, वो घर घर जाते हैं और बेचते हैं। बताइए क्या होगा ओवरसोल्ड, जब ओवरसोल्ड होता है मार्केट तो प्राइस गिरता जाता है ना? ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड कब होता है मार्केट, कहाँ पर ओवरसोल्ड होता है मार्केट, कि जब बिल्कुल रोड पे सब आ गए हो, सब बिक रहा हो और सेलर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता जा रहा हो, फिर बाद में क्या होता है जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो फिर सेलर्स कम होते जाते हैं। जैसे हमने देखा कि बायर्स उसमें कम हो रहे थे, अब क्या हो जाएगा, ओवरसोल्ड में सेलर्स कम हो जाएंगे, जब वो क्लाइमेक्स तक पहुंच जाएगा उसके बाद में सेलर्स धीरे 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 करके कम होते जाएंगे। जब सेलर्स कम होते जाएंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ता जाएगा, और जब डिमांड बढ़ता जाएगा क्योंकि सेलर्स अभी कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस हमारा बढ़ता जाएगा। इसी वजह से
जो सीजन के बाद आप देखो सीजन के टाइम पे एक चरम सीमा पे जाता है, वो जो सीमा होती है जो प्राइस होता है 15-18 रुपए में जो गेहूं बिकता है, वो जो सीमा रहती है वहां पर सबसे ज्यादा माल मार्केट में आया होता है वो ओवरसोल्ड सीमा है। अगर समझो आपको ऐसा कोई इंडिकेटर मिल जाए मार्केट में, तो क्या आप एक्साइटेड होंगे कि आपको ओवरसोल्ड बता दें कि ले भाई ये ओवरसोल्ड मार्केट है, अब इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। आपका कोई भी बिजनेस हो, समझिए आप रियल एस्टेट में हैं या फिर आप समझिए कि क्या बोलते हैं उसको कार के बिजनेस में है, कोई भी बिजनेस में है, अगर आपको कोई ये बता दे कि भाई अभी ओवरसोल्ड है, राइट, अभी सेलर्स की तादाद कम होने वाली है, तो डेफिनेटली आप उस टाइम पर आप खरीदना चालू करो ही, क्योंकि वहां से ही मार्केट प्राइस उछलता है, क्योंकि अब सेलर्स कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और बार देखिए, मैं सिंपली आपको इतना ही बताऊंगा कि ओवरसोल्ड जो है, राइट, वो वहां पर सेलर्स उसको ड्राइव करते हैं, नंबर वन। नंबर टू कि यहाँ पर ओवरसोल्ड जब क्लाइमेक्स पर पहुंचता है उसके बाद में सेलर्स कम होते जाते हैं, जब सेलर्स कम होते हैं तो डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। ओवरबॉट सिचुएशन में क्या होता है, कौन पुश किया उसको वहां तक, वहां तक पुश करते हैं बायर्स, तो मतलब प्राइस बढ़ते बढ़ते आया और एक सीमा तक पहुंच गया, अब इससे ज्यादा वहां पर उनको बायर्स नहीं मिल सकते। जब बायर्स कम होते जाएंगे तो डिमांड कम होता जाएगा, डिमांड कम होता जाएगा तो मार्केट नीचे गिरता जाएगा। तो ये दो लेवल्स हैं। अगर आपको ऐसा कोई इंडिकेटर मिल जाए दोस्तों कि जिसमें आपको एक ओवरसोल्ड लेवल मिल जाए, ओवरबॉट लेवल मिल जाए, तो क्या आपको मजा आएगा? बिल्कुल मजा आएगा। अभी चलो अपन चलते हैं और इसको थोड़ा सा इसी चार्ट में जो अभी हमने दिखाया था उसमें देखते हैं, फिर हम लोग जाएंगे एक्चुअल चार्ट में और मार्केट में देखेंगे कि वो कैसे दिखता है और कैसे उसके कंपैरिजन में कैसे मार्केट ऊपर बढ़ता है। ठीक है, इसको देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये एक लेवल है जैसे हमने बताया। अब याद रखिए ये जो ऊपर का लेवल है ये कौन सा लेवल होगा, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? जी हाँ, ये ओवरब्रॉट, ओवरबॉट होगा, ये ओवरबॉट लेवल है। यहां पर बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, बहुत बहुत ज्यादा बायर्स ने प्राइस को पुश कर दिया है, अब यहां पर बायर्स कम होते जाएंगे, जब बायर्स कम होते जाएंगे तो अल्टीमेटली मार्केट नीचे आता जाएगा, क्योंकि डिमांड नीचे आएगा, बायर्स कम हुए, डिमांड नीचे आया, डिमांड का नीचे आया तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आएगा। यहां तक बायर्स एक्टिव थे, अब बायर्स कम होते गए, अब बायर्स कम हुए तो ओवरबॉट लेवल से प्राइस नीचे आएगा, डिमांड नीचे आएगा और ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो लेवल है ऊपर का लेवल है, याद रखिएगा वो ओवरबॉट लेवल है। यहां पर ये सीमा है, ऊपर की तरफ का क्लाइमेक्स है, अब इसके ऊपर जाएगा भले जा सकता है लेकिन मार्केट में बायर्स का पार्टिसिपेशन कम रहेगा, कम बायर्स घुसेंगे और ये ओवरबॉट लेवल है। मतलब यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक क्या है कि अगर यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर गया इस लेवल से, तो ऑटोमेटिकली ओवरबॉट लेवल हो गया। इसमें माना जाता है कि जब ये ऊपर जाकर वापिस नीचे आता है इस लेवल के, तो यहां से हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अब वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि बायर्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम हो गया, बायर्स निकल गए, मोमेंटम कम हो गया। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये ओवरसोल्ड पोजीशन है, ये वाला लाइन जो है आपको दिख रहा है ये ओवरसोल्ड पोजीशन है। अब यहां से जब मार्केट वापस उठता है और ऐसे क्रॉसओवर मार के अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो माना जाता है कि हमें बाई करना चाहिए, क्योंकि यहां पर अब सेलर्स की तादाद कम हो गई, उन्होंने जितना पुश करना था सेलर्स ने पुश कर दिया, सेलर्स लोगों यहां तक लेके आए हैं, अब सेलर्स लोगों के पास इतना इंटरेस्ट नहीं है कि इसको सेल करे, इस प्राइस पे वो सेल करने को तैयार नहीं है। अगर वो सेल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो है एक सिंपल है, ये तो स्टोकेस्टिक था अपना, राइट, तो ये एकदम सिंपल चीज है ये कि ये अपना ओवरबॉट लेवल है, यहां पर हमारे बायर्स धीरे धीरे करके इंटरेस्ट खो बैठते हैं, क्लाइमेक्स आने के बाद बायर्स छोड़ देते हैं, और बायर्स चले जाते हैं तो डिमांड कम होता है, डिमांड कम होता है तो प्राइस कम होता है और मार्केट नीचे तक आता है। कितना नीचे तक आता है, बेच 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 कर रहे होता है, अभी सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स बेचना चालू किया, सेलर्स ने बेच बेच कर सेलर्स यहाँ पे लेके आए और एक क्लाइमेक्स आ जाता है, अभी क्लाइमेक्स आ गया, उनको बेचने वाले भी थक गए, अब कहते हैं यार अब नहीं बेचना, अब ज्यादा हो गया,
और वो जब छोड़कर निकलते हैं, जब बेचने वाले कम हो जाते हैं तो खरीदने वालों के कंपैरिजन में तादाद ज़्यादा हो जाती है बेचने वालों की, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ता है। तो ये हमारा ओवरबॉट लेवल है और ये हमारा ओवरसोल्ड लेवल है, दोनों में, आरएसआई में, स्टोकेस्टिक्स में और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनमें। तो याद रखिएगा, ऑसिलेटर्स ये दो लाइंस के बीच में, दो लेवल्स के बीच में हमेशा घूमते रहते हैं। ये ऊपर वाला जो लेवल है वो ओवरबॉट लेवल है, जहाँ पर ऊपर की तरफ, ऊपरी तरफ उसका क्लाइमेक्स लाइन है, क्लाइमेक्स आ गया, इसके ऊपर थोड़ा जाता है, थोड़ा टाइम चलता है और उसके बाद में क्या होता है कि बायर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको खरीदने की इच्छा नहीं रहती। अब जब वो होता है तो नीचे आता है और ओवरसोल्ड लेवल जहाँ पर सेलर्स पुश करते हैं उसको, और सेलर्स लोग वहाँ से जब निकलते हैं ओवरसोल्ड लेवल से, क्लाइमेक्स अच्छा कम से कम प्राइस में बेचने के बाद, उसके बाद में डिमांड बढ़ता है और ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। तो यही है हमारे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल्स। इसको एक और बार देखिए, उसको अच्छी तरह से समझिए। अब हम लोग चार्ट में जाएंगे और हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा सीक्रेट बताऊंगा मैं आरएसआई में। RSI वैसे तो बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन RSI को यूज़ करना लोगों को नहीं आता। मैं एकदम आराम से, एकदम क्या बोलते हैं, लड्डू जैसा एक सीक्रेट बताऊंगा आसानी से। आप उसको देखते ही आपके दिमाग में, आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से इसको समझिए, टेक केयर, बाय।